नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल मेंटर में। आज का जो हमारा सेशन है, रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ का जो हमारा जो सेशन रह गया था वो हम कवर करने वाले आज। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कवर करवाए थे। हालांकि उसमें जो है ज़्यादा टाइम चला गया था, ऑलमोस्ट 28 मिनट्स, इसलिए हमने वो स्टॉप किया था। आपको 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया था। नाउ हम कोशिश करेंगे कि 9 और 10 नंबर क्वेश्चन आज सॉल्व कर ले, एंड कोशिश करेंगे मैक्स से मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये जो मटेरियल है ये तकरीबन इसमें 200 क्वेश्चन है। हालांकि पिछला लेक्चर अटेंड करने के बाद कई कैंडिडेट्स ने मुझे ईमेल्स किए हैं कि सर आप जो हैं हमें ये बुक हमें दो सौ क्वेश्चन की, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आप चाहो तो ये जो पूरी PDF है आप वहाँ से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 से ना आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, डी इज़ ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन के लेस देन इक्वल टू एन, बी लेस देन सी, एन इज़ लेस देन बी। अब देखो यहाँ पर कोई भी है ना अलाइन नहीं है, अलाइन यानी कि एक साथ हम इसको क्लब नहीं कर सकते, इसको हमें अलग अलग तरीके से क्लब करना पड़ेगा। इसमें जो अलाइन है वो केवल सी टू एन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पर आपको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा कंक्लूजन की तरफ फोकस करना है ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको ऐसे उल्टे पुल्टे जो है स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, अलाइन स्टेटमेंट ना रहें उस केस में हमें क्या करना है, उसको सेपरेटली सॉल्व करना है, वो भी कंक्लूजन के बिहाफ पे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया है डी ग्रेटर देन एन, तो सबसे पहले हमें देखना है कि डी कहाँ पर दिया गया है। डी आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। अब आप देखिए एन कहाँ पर है, तो एन यहाँ पर भी है और एन यहाँ पर भी है। देखिए दो जगह पे आपको एन दिया गया है, तो आपको जो है यहाँ पर अब कन्फ्यूज करने के लिए, जानबूझ कर कन्फ्यूज करने के लिए दो जगह पर एन दिए गए हैं और एक जगह पर डी दिया गया है। ठीक है, अब कई सारे कैंडिडेट क्या करेंगे देखते हैं। देखो इसके स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए डी ग्रेटर देन बी। अब बी जो है वो दूसरा बी यहाँ पर भी है और दूसरा बी यहाँ पर भी है, तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। बी लेस देन यहाँ पर क्या बना सी, सी ग्रेटर देन के एंड के लेस देन इक्वल्स टू एन, ये बन गया। देखो मैंने पहले नंबर पर ये ले लिया, ये सेकंड नंबर पे लिया, ये थर्ड नंबर पे लिया और ये फोर्थ नंबर पे लिया, तो यहाँ पर बना क्या, देखिए पूरा उल्टा पुल्टा बन गया। तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर आंसर क्या देंगे, सर पहला कंक्लूजन क्या है गलत है। मैं बोलता हूँ गलत है, सही है, बात एकदम सही की है आपने, बिकॉज यहाँ पर देखो पूरे रिलेशनशिप जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, इसलिए रिलेशनशिप बन ही नहीं रहे। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन एन यहाँ पर नहीं बन रहा है, बट हमें यहाँ पर ये भी तो बी दिया है। ठीक है, तो अब हमें इनको कंपेयर करना है, देखिए ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी इज़ ग्रेटर देन बी एंड दूसरा लिया है एन इज़ लेस देन बी, तो यहाँ पर क्या बना डी इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसको उल्टा कर दो और ये सीधा लिख दो, तो लेस देन का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन एन, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो डी ग्रेटर देन एन बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये गलत हुआ, अब यहाँ पर ये सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है और यहाँ पर ये सही हो रहा है, अब हम आंसर कौन सा मार्क करें। अरे सिंपल है, देखिए यहाँ पर जो है ऑपोजिट रिलेशनशिप बन रहे थे, क्या बन रहे थे ऑपोजिट, इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, डेफिनेटली नहीं बन रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, अब अगर डेफिनेटली नहीं बनता, अगर ये डेफिनेटली गलत होता तो ये वाला बनता ही नहीं। अब यहाँ पर हुआ क्या है समझिए, पहली बात यहाँ पर ऑपोजिट जो है साइन थी, इसकी वजह से हम इसको कंक्लूड नहीं कर पाए, इसलिए ये गलत हुआ, हम इसको डेफिनेटली नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर तो हम डायरेक्टली इसको कंक्लूड कर पाए, इसलिए क्या हुआ ये वाला सही हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, अब मैं आपको दूसरा भी समझा देता हूँ।
अब देखो ऑप्शन ए मार्क करने से पहले आप कंक्लूजन नंबर टू देख लीजिए, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, सी ग्रेटर देन के। हालांकि ये मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए यहाँ पर हमने इसको गलत करना है, बिकॉज सी बड़ा है के से, तो बराबरी कहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। होप सो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पर कितने स्टेटमेंट दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 5 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूरा उल्टा पुल्टा, इसको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें दिया है सी ग्रेटर देन एन, अब सी ग्रेटर देन एन दिया है तो सबसे पहले सी कहाँ पर है, ये रहा, और एन कहाँ पर है, एन दो जगह पर, एक ये एक ये, ठीक है। अब हम लेते हैं और सी भी दो जगह पर, देखिए ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पहले तो हम इसे ले लेते हैं, बी लेस देन क्या दिया है, सी, सी ग्रेटर देन क्या दिया है, के, एंड के लेस देन इक्वल्स टू एन। देखो ये पहले वाला जैसे ही हुआ, पूरा उल्टा पुल्टा है, तो इसमें हम कोई कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या दिया है, सी ग्रेटर देन एन दिया है, ठीक है, सी ग्रेटर देन, तो ये देखो ये फर्स्ट वाला देखो और ये लास्ट वाला देखो, देखो आपको ये सब चीज़ ऑब्जर्वेशन रीजनिंग को, रीजनिंग इसी को कहते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए मैंने अब n इज लेस देन b लिख दिया एंड ये वाला बाद में लिखा, b लेस देन c हुआ, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका कंक्लूजन n लेस देन c बना, तो क्या बनेगा, c ग्रेटर देन n बना, c ग्रेटर देन n बना, यानी कि ये डेफिनेटली हो रहा है। यहाँ पर हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि यहाँ पर हम डेफिनेटली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन वन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, ठीक है। अब बी ग्रेटर देन के, अब देखो बी ग्रेटर देन के, बच्चों देखिए बी ग्रेटर देन के, अब बी कहाँ पर है, बी एक यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, के के। अब कई सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन होगा, देखिए मैं वन सेकेंड इसको देखता हूँ, बी लेस देन सी एंड सी सी कॉमन, ये रहा पहला और तीसरा स्टेटमेंट में सी कॉमन, सी ग्रेटर देन के, तो यह ऑपोजिट साइन है, इसकी वजह से ये गलत बन गया, रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, इज इट क्लियर। अब जबकि हम इसको देख रहे हैं लास्ट में, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए, के लेस देन बी बन गया ना, कैसे, के लेस देन इक्वल्स टू एन, एन लेस देन बी, तो क्या बना, के लेस देन बी बनेगा। अब इसका उल्टा क्या बनेगा, के ग्रेटर देन, सॉरी बी ग्रेटर देन के बन गया, तो ये वाला इसमें सही हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन बन जाएगा ई, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। होप सो आपको क्लियर है, ये पूरा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जामिनेशन में स्पेशली मेंस के पेपर में ये 9 और 10 नंबर के स्टेटमेंट ही इस प्रकार के आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में, ठीक है, 11 to 15 में बढ़ते हैं। इलेवन टू फिफ्टीन क्या कहता है, इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन द, देखो इन्फॉर्मेशन सब जगह पे सेम ही है, ये देखो ये इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 या 6 to 10 की भी इन्फॉर्मेशन सेम ही है, ठीक है। होप्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 11 to 15 और आपके ऑप्शन जो है वो भी सेम है ऑलमोस्ट, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस हिसाब से क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15, देखो कोशिश करेंगे फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, बी लेस देन डी एंड डी लेस देन इक्वल्स टू ई। अब यहाँ पर हमें डी टू ए में रिलेशनशिप बोला है, अब इसको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, ये बी है, ये देखिए ये बी है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखो बी और सी की वैल्यू तो सेम है, तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट एक नया बनाएंगे ए टू डी के हिसाब से, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड बी लेस देन डी, ऑपोजिट साइड नो रिलेशनशिप, खत्म हो गया, ठीक है। हम बता नहीं सकते इसमें, वैसे तो रिलेशनशिप बन सकता है बट कौन सा बनेगा हम ये नहीं बता सकते, इसलिए रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश, तो पहला वाला गलत हो गया, ई ग्रेटर देन सी। अब ई टू सी में रिलेशनशिप क्या है, देखो बी इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, तो आप क्या करो,
ये सी यहाँ पर लिख दूँ, बिकॉज बी और सी की वैल्यू क्या है, यहीं से हमें मालूम पड़ रहा है कि सी क्या है, सेम है, तो हम बी की जगह पे सी लिख देंगे एंड सी लेस देन ई बन जाएगा, तो ई जो है वो ग्रेटर देन सी हो जाएगा। कैसे बना समझ में आया, बी और सी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैंने बी की जगह पे सी को लिख दिया, सी लेस देन डी बना एंड डी लेस देन इक्वल्स टू ई। अब सी जो है वो डी से छोटा है और डी लेस देन या इक्वल्स टू है क्या है, ई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी लेस देन ई ही बन जाएगा, इसका उल्टा करो तो ई ग्रेटर देन सी बन जाएगा। इज इट क्लियर, होप्स आपको क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एल इज ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ठीक है ये बोला है, जेड इज लेस देन यू, यू इज लेस देन आर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया है कॉमन एलिमेंट, यहाँ पर इन दोनों को कर जो है मर्ज करने वाला होगा वो है यू, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते एल ग्रेटर देन जेड, अब एल यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है, इसको क्लब करेंगे, देखिए दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, एल ग्रेटर देन यू एंड जेड इज लेस देन यू, तो यू ग्रेटर देन जेड बन गया, यू ग्रेटर देन जेड बना, तो एल इज ग्रेटर देन जेड, ये सही है। इज इट क्लियर, अब ग्रेटर देन इसमें आंसर तो हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है, तो जेड बन गया, यहाँ पर ये पहला कन्क्लूजन सही है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का कंक्लूजन 2 देखते हैं, के लेस देन आर, अब के यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, अब इसको क्लब करने वाली चीज़ कौन सी है, देखिए अब यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड यू लेस देन आर, तो इसको उल्टा कर दो, तो आर इज़ ग्रेटर देन यू बनेगा, तो यहाँ पर क्या बना, आर इज़ ग्रेटर देन के एंड के इज़ लेस देन आर, यानी कि सही हो गया। देखिए वंस अगेन एक बार क्लियर करवाता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड यू लेस देन आर, अब इसका आप उल्टा कीजिए, आर इज़ ग्रेटर देन यू बना एंड अब इसको वापस से रख दो यहाँ पर, यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बना, तो क्या बनेगा, आर इज़ ग्रेटर देन के, तो के इज़ लेस देन आर, यानी कि अब यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ये ऑप्शन ई बन गया। होप्स आपको क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, इज इट क्लियर, बिकॉज सेकंड वाला करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, अब देखो 13 का स्टेटमेंट बहुत छोटा है, ठीक है, वैसे तो इसका जो है यहाँ पर वाई से आर की तरफ कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है जे इज़ ग्रेटर देन आई, क्या ये सही है, यस या नो बताइए मुझे। अब यहाँ पर जो है जे इक्वल्स टू पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, आर इज़ ग्रेटर देन आई, तो जे जो है और पी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो जहाँ मैं जे की जगह पे पी को लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन आई, तो जे जो है बड़ा बनेगा आई से, बात सही है, इज इट क्लियर, ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो रहा है। वाई इज़ लेस देन आर, वाई इज़ लेस देन आर, अब वाई इज़ लेस देन आर, अब देखो वाई एंड आर के बीच में साइन क्या है, अपोजिट, तो इसके बीच में रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, रूल नंबर 18 जो है वो बहुत क्लियर अगर आपको मालूम पड़ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपोजिट साइन रूल है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है, होप्स आपको क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बनेगा ई, ओनली कंडीशन 1 इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पर देखिए वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये अपोजिट साइन यहाँ पर बनी, सो दैट, इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, k ग्रेटर देन m, m इक्वल्स टू n, m ग्रेटर देन s एंड t लेस देन m, सॉरी t लेस देन k, तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या बनेगा, देखिए t टू n बोला है, ये रहा t टू n आपको पूछा है, ठीक है, तो t तो कहाँ पर है, ये रहा, और n कहाँ पर है, ये रहा, अब इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, k है, ये देखो k है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, देखो ये एज इट इज़ लिख दो, पहले ये लिख दो आप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टी लेस देन के, अब इसको ग्रेटर देन कर दो एम इक्वल्स टू एन, तो देखो अब यहाँ पर एम टी टू एम में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो एन में बन सकता है, मुझे बताइए, नहीं बन सकता, तो ये वाला कंक्लूजन क्या है, गलत है। उसके बाद ऑप्शन टू में जाइए, वी इक्वल्स टू एस, अब वी इक्वल्स टू एस, वी ये रहा एस ये रहा, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, एम है, तो देखिए आपको वैसे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो v ग्रेटर देन इक्वल्स टू के
के ग्रेटर देन एम एंड एम इज़ अ ग्रेटर देन एस। मैंने इसको हटा दिया और ये क्लब हो गया, ठीक है। तो वी क्या बराबरी का एस से? नहीं है। अब देखो कई कैंडिडेट जो है ना वो इक्वल्स टू को लेकर कंफ्यूज होते हैं और इक्वल्स टू को आइदर और या इक्वल्स टू कर देते हैं, तो वैसा नहीं होगा। यहाँ पर वी बड़ा या बराबरी का है, कैसे? के बड़ा है एम से, एम बड़ा है एस से, तो इसलिए ये सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ आपका? ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। होप सो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। एफ इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। उसके बाद आर इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ई, तो आपका आंसर क्या बनेगा मुझे बताइए, ठीक है। अब एफ इज लेस देन इक्वल टू ई, क्या ये सही है या गलत है? तो चलो देखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? एक्स है, ये रही, तो इसको जोड़ क्लब करो। एफ इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ई। तो देखो, अब देखो ये कॉमन साइन है तो आंसर तो वही रहता है, तो पहला वाला क्या है? सही है। एंड आर इज अ लेस देन एफ, आर इज अ लेस देन एफ। अब आर यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, अब इसको हमें वंस अगेन क्लब करना पड़ेगा। हम जहाँ भली बात ही जानते हैं कि भाई एक्स जो है इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन फैक्टर कौन है? एक्स है, और वो ये जो स्टेटमेंट है वो कनेक्ट होगा एक्स से ही। तो जस्ट सिंपल है, एफ इज अ लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पर क्या दिया है? आर इज अ लेस देन एक्स, तो इसका रिवर्स करो, एक्स इज ग्रेटर देन आर। अब ये तो ऑपोजिट साइन बन गई, इसलिए यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। सो देट यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन ए बना। अब देखिए, इनिशियल मोमेंट में हमने 7 क्वेश्चन जो है तकरीबन 15 मिनट में सॉल्व कर लिया है, यानी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट एवरेज लगाया है, ऑन एन एवरेज, एग्जिट हम नहीं जाते, तो ऑन एन एवरेज हमने 2 मिनट 10 सेकंड लगाए हैं, ठीक है। अब हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम ये जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट में 5 करेंगे। यस, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, हम इसको 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करेंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो वो धीरे धीरे होगा, आपको इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 to 20। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा डिफरेंट है, आपको मैंने पहले कंक्लूजन जो है आपके जो आंसर्स थे वो इस तरीके से दिए थे, अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपके ऑप्शन आपके चेंज होंगे पूरे। देखो ये रहा, अभी आपका ऑप्शन जो है ए बी सी डी ई हर बार अलग तरीके से दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि सेम होगा, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस कैसे भी दे दिए जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। अब यहाँ पर क्या दिया है? W इज़ ग्रेटर देन S, S इज़ लेस देन और इक्वल टू Q, D इज लेस देन और इक्वल टू S, एंड I इज लेस देन इक्वल टू B, B इक्वल टू D, ये आपको दिया गया है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है मुझे बताइए, यहाँ पर जो दिया गया है Q ये रहा एंड I ये रहा, अब इनको क्लब करना है, आप मुझे बताइए कैसे क्लब करोगे आप इसको? आपको होप सो क्लियर होगा ये सब चीज़ें। अब आपको इसको इनको कॉमन फैक्टर से क्लब करना है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? देखो ये रहा S, ये रहा S, ये हर बार भी आपको घुमाएंगे कन्फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको रहेगा S इज लेस देन और इक्वल टू Q, ठीक है। दूसरा क्या है? D इज लेस देन इक्वल टू S, एंड I इज लेस देन इक्वल टू B, ये रहा, ठीक है। एंड B इक्वल टू क्या दिया है? D दिया है, ठीक है। B इक्वल टू क्या दिया है? D दिया है, यानी कि B एंड D की वैल्यू क्या है? सेम है या नहीं है? देखो ये रहा B इक्वल टू D, ठीक है। अब हमें इसको यहाँ से क्लब करना है, देखते हैं कैसे क्लब होता है। S इज लेस देन इक्वल टू Q, एंड S D इज अ लेस देन और इक्वल टू S, हो गया, यहाँ पर ये हो गया। एंड D की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? B भी लिख सकता हूँ, बिकॉज B एंड D क्या है? कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने B लिख दिया तो चलेगा। अब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आप वन सेकेंड फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? S इज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू Q, एंड यहाँ पर क्या बना? B इज लेस देन इक्वल टू S, तो क्या बनेगा? अब लेस देन इक्वल टू क्या बनाए? तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बना मुझे बताइए, और B से पहले कौन है? लेस देन इक्वल टू I है। तो अब अगर हम पहले हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं फिर हम I को भी ऐड करते हैं, तो अगर B इज लेस देन इक्वल टू Q बन रहा है,
ठीक है, बी इज़ लेस देन इक्वल टू क्यू बन रहा है, तो इसके आगे कौन है, आई है, तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू क्यू बन गया, तो क्यू जो है यहाँ पर क्या बना, ग्रेटर देन इक्वल टू आई बन गया। तो पहला जो कंक्लूजन है वो सही है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन ए रहेगा, नहीं अभी हमें कंक्लूजन नंबर टू सॉल्व करना है। कंक्लूजन नंबर टू हालांकि इसका ही कन्वर्जेशन है, देखिए आप जरा ध्यान से, तो ये वाला तो गलत ही होगा, बिकॉज क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, तो बड़ा या बराबरी का है आई से, बट बराबरी का तो है ही नहीं, तो इसलिए ये सेकंड कंक्लूजन गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार वापस से गुथ्रू कीजिए, और अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में कंक्लूजन देखिए किस तरीके से आपको दिया गया है, स्टेटमेंट ये है और ये कंक्लूजन जो है आपके आंसर से, के इज़ ग्रेटर देन डी। अब पहले तो आप डी देख लीजिए और के देख लीजिए, दोनों के बीच के अंदर का फासला देख लीजिए। अब दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो कौन है, ए है, ठीक है। हालांकि डी दूसरी बार यहाँ पर भी दिया गया है, तो वो भी चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है डी लेस देन और इक्वल्स टू ए एंड ए लेस देन के, तो जस्ट सिंपल है, ये तो सीधा ही बैठ गया। अब यहाँ पर बन गया के ग्रेटर देन डी, के ग्रेटर देन डी पहला वाला सही है, जस्ट सिंपल है। सी ग्रेटर देन एस, अब सी ग्रेटर देन एस बन रहा है। अब देखो सी ये रहा और एस ये रहा, अब इनको कनेक्ट करना है, आप मुझे बताओ कैसे कनेक्ट करोगे। अब देखो इन दोनों में कनेक्ट करने वाला जो चीज़ है, इसमें ये रहा सी एन ए, इन दोनों में कॉमन है, और एस यहाँ पर है, तो एस को कौन कनेक्ट करेगा, ये रहा डी, डी को कनेक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, पहले इसको उल्टा कर दो आप, एस इज़ लेस देन इक्वल्स टू डी, अब इसको सीधा लिखिए, डी इज़ ग्रेटर देन सॉरी डी इज़ क्या है यहाँ पर, डी क्या है यहाँ पर, डी यहाँ पर क्या है मुझे बताएंगे, डी इज अ लेस देन इक्वल्स टू, डी इज अ लेस देन इक्वल्स टू ए, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एस भी देखना है, तो एस इज अ सॉरी मुझे डी देखना था, एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस है, सॉरी थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई, देख लेते हैं थोड़ा सा, वन सेकेंड। देखिए इसको बहुत ही हम आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप इसे सी ग्रेटर देन ए ले लीजिए, सी ग्रेटर देन ए ले लिया, फिर इसको ले लीजिए ए इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, बिकॉज डी इज़ लेस देन इक्वल टू ए है, और इसके बाद ले लो डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस, डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब देखो यहाँ पर सी जो है वो बड़ा ही बनेगा एस से, बिकॉज सी जो है वो ए से बड़ा है, ए से बड़ा है तो डी से भी बड़ा ही बनेगा, एस से भी बड़ा ही बनेगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बोथ वन एंड टू फॉलो, बोथ वन एंड टू फॉलो। होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। देखिए मैंने जो गलती की थी, एक्चुअली मैंने क्या किया था, मेरा एस की जगह पे मैंने ए को कंसिडर कर लिया था, और मेरा पूरा ध्यान ए की तरफ था, ये ऐसा आपके साथ एग्जामिनेशन में हो सकता है, तो आप इन चीज़ों को फोकस कीजिए कि आपको पूछा क्या गया है। मैंने भी सेम गलती की, बिकॉज मुझे पहले लगा कि हमें जो है वो ए एंड डी इसको देखना है, ठीक है, और इसके बाद मैंने डी को एस के साथ कंपेयर कर लिया, ताकि क्या हुआ हमारा सी टू एस में रिलेशनशिप क्लियर हो गया और ऑप्शन मेरा ई आंसर आ गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए एस इज़ अ ग्रेटर देन एन, एन इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ, पी इक्वल्स टू एन, ई इज़ ग्रेटर देन एस, ई इज़ ग्रेटर देन एस, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या दिया है, कंक्लूजन आपको दिया है ई ग्रेटर देन पी, अब ई ये रहा पी ये रहा, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी देखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं ई से एस जा रहा हूँ, देखिए ई इज़ अ ग्रेटर देन एस, फिर यहाँ से मैं यहाँ पर गया एस इज़ ग्रेटर देन एन एंड एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, ये मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे सर पी कहाँ पर है, अरे पी और एन की वैल्यू क्या है, सेम ही है ना, तो मैं पी और एन को ऊपर नीचे लिख देता हूँ,
ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो e ग्रेटर देन p बनेगा, देखो s से बड़ा है और ये यहाँ पर p बन गया। इज इट क्लियर? अब देखते हैं f इज़ लेस देन e। अब देखो यहीं पे क्लियर हो रहा है, e जो है बड़ा है किससे, f से, बिकॉज देखो n एंड p से बड़ा या बराबरी का है। इज इट क्लियर f? तो यहाँ पर क्या बनेगा, e जो है वो बड़ा ही बनेगा f से, तो f जो है वो छोटा बन गया e से, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, दोनों कंक्लूजन सही हो रहे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आप मेरे कि आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा वंस अगेन बोथ वन एंड टू फॉलोस। इज इट क्लियर? होप्स आपको क्लियर हो रहा है। नाउ अब हम जो है लास्ट टू क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। देखो मैं चाहता हूँ कि हम जो है एक आध सेशन ऐसा ले लें कि जो फटाफट फटाफट क्वेश्चन रिलीज हो जाए और आपको भी समझ में आ जाए, बट इनिशियल स्टेज पे मैं फास्ट ट्रैक पे नहीं जा सकता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को समझें और उसको कंसेप्चुअल समझ कर उसके आंसर मार्क करें। इनिशियली स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। हम धीरे धीरे इसकी स्पीड इम्प्रूव करेंगे और मैं आपको इस तरीके से स्पीड बता दूंगा कि आप एक मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। हमने करवाए हैं और किए भी हैं। मैंने ऑन बोर्ड 1 मिनट में 5 मींस 1 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट से कम समय में मैंने 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के सॉल्व करके दिखाए हैं कई सारे बच्चों को। तो अभी जो है आप ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका धीरे धीरे हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, एल ग्रेटर देन के, एल ग्रेटर देन एफ, एफ इज़ लेस देन डी, P greater than E। कंक्लूजन नंबर 1 दिया है, P greater than D एंड E greater than F। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो कि P greater than D दिया गया है, तो P greater than D है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है, P यहाँ पर है और D यहाँ पर है। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, ये L है और ये L है। अब ये क्लब हो सकता है और E जो है यहाँ से क्लब हो सकता है। तो जस्ट सिंपल है, देखो मैंने क्या किया, इसके आगे ही मैं लिख रहा हूँ इसको ही कंटिन्यू करके, P ग्रेटर देन E, E अब मैं उसके बाद सेकंड नंबर पे ये लूँगा, E ग्रेटर देन इक्वल्स टू L ले लिया। अब L L कॉमन, K को लेने की ज़रूरत नहीं बिकॉज K की तो ज़रूरत ही नहीं है, और K उसके बाद L के बाद क्या हुआ, L के बाद क्या हुआ, हम ग्रेटर देन क्या लेंगे, एफ, एंड एफ इज़ लेस देन डी। और कहीं पर डी दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ से पूरा स्टेटमेंट कट रहा है, बिकॉज एल टू डी में अगर नो रिलेशनशिप बन रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पर इस तरफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। होप सो क्लियर है। अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, ई ग्रेटर देन एफ। अब E ग्रेटर देन F, अब E ग्रेटर देन F, देखिए ये रहा यहीं पर हमारा बैठ रहा है, E ग्रेटर देन F, देखो बन गया, हमने कुछ नहीं किया, जो बना हुआ था उसी को बनाया, P ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन इक्वल्स टू L एंड L इज ग्रेटर देन F। तो यह देखो E बड़ा या बराबरी का है L से, है ना, और L बड़ा ही है F से, तो सेकंड कंक्लूजन सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 20, Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू X, X इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू S, S इज लेस देन E, A इज ग्रेटर देन E। अब देखो यहाँ पर दिया है E इज़ अ ग्रेटर देन X, E इज ग्रेटर देन X। अब E इज अ ग्रेटर देन X दिया है तो X तो यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा, और E यहाँ पर है। अब हमें इसको पहले तो क्लब करना है, तो देखो ये सीधा ही क्लब हो रहा है, इसको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सीधा ही क्लब हो रहा है, ये ऑलरेडी अलाइन स्टेटमेंट दिए गए। तो हमें क्या करना है, X इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, S इज लेस देन A, A इज ग्रेटर देन E। अब देखो ऑपोजिट साइन है तो पहला वाला गलत हो गया, रिलेशनशिप नहीं बन सकता ना। अब दूसरा वाला दिया गया है, अपोजिट साइन कैसे, एस टू ई में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो एक्स में भी नहीं बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का कंक्लूजन नंबर 2 देखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, जैसे कि हमने बताया था कि रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो ये गलत हो गया। तो आप इमीडिएटली आंसर मार्क करने की कोशिश करोगे, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, आप ये मार्क करने की कोशिश करोगे, बट रुक जाओ, इसके पहले
हमें एक और स्टेप करना है। देखो ऑपोजिट साइन है, यहाँ से ऑपोजिट साइन है, तो इसका मतलब क्या बन सकता है? x जो है वो बड़ा बन सकता है e से, x बराबरी का बन सकता है e से, एंड x जो है वो छोटा बन सकता है e से। जस्ट सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पर जो है इसका उल्टा हम कर सकते हैं, e छोटा बन सकता है x से, e इक्वल्स टू बन सकता है x से, एंड e बड़ा बन सकता है x से। तो यहाँ पर e ग्रेटर देन x दिया गया है, देखो ये रहा, तो ये यहाँ पर ये बन रहा है। दूसरी चीज़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, अब देखो इसमें ये चीज़ दी गई है, यानी कि यही चीज़ दी गई है, इसका रिवर्स दिया गया है आपको यहाँ पर, तो ये भी बन रहा है, यानी कि तीन में से कोई एक तो होगा ही है, बात सही है ना। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को क्लब कर दिया गया है, देखो ये रहा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, ये रहा, इन दोनों को क्लब कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए मुझे बताइए। अब यहाँ पर आपको आइदर और आंसर आएगा, इज़ इट क्लियर, यहाँ पर आइदर और। कई सारे कैंडिडेट ये जल्दबाजी करते हैं कि सर नहीं बेटा तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत कर देते हैं और ये भी गलत कर देते हैं, और नाइदर वन नॉर टू उनको दिख ही रहा है, तो इमीडिएटली इसको क्या करेंगे, राइट आंसर मार्क करके आगे निकल जाएंगे। बट वेट, हमें इस तरीके से क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, बिकॉज देखो मैंने बोला था एलिमेंट्स आर सेम्स एंड क्या बोला था, इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो नियम है उस केस में हमें आइदर और चेक करना है, ऐसा नहीं कि सीधा आंसर दे देना है। तो आइदर और हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा, डी आपका आंसर यहाँ पर गलत है, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर बना सी। तो होप सो आपको आज का सेशन जो है वो क्लियर है, आज हम यहीं पे रुकते हैं, सेशन थोड़ा सा लंबा गया है, बट फिर भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कवर किए। देखिए हमने पहले लेक्चर में केवल 7 क्वेश्चन कवर किए थे, इस बार हमने 13 क्वेश्चन सेम टाइमिंग में हमने कवर किया ऑलमोस्ट, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त थे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है विथ गुड एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करके दूँ, ठीक है। आपको जो है ये जो कंटेंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 मार्क्स का वेटेज आता है, इसलिए भी हम जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, और होप सो हमारी मेहनत सफल रखोगे आप भी थोड़ी सी मेहनत करोगे और इसमें आप 5 मार्क्स ज़रूर एग्जामिनेशन में कैप्चर करके आओगे, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल है, एडवांस मोड आ रहा है, और वो आपको पूरी तरीके से मैं कवर करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स, ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, जो कि हमारा अगला सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको अटेंड करना है, यानी कि कल हम इसी वक्त पे ये सेशन वंस अगेन स्टार्ट करेंगे, और आप ज़रूर लाइव होके इसको देखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।